नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान उत्थान और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। प्रदेश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आज भी खेती किसानी पर निर्भर करता है, लेकिन सालों से किसानों की बदहाली भी किसी से छिपी नहीं, जिसे ध्यान में रखते हुए हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों के उत्थान में जुट गई। किसानों से पारंपरिक खेती छोड़कर आधुनिक खेती करने की अपील की जा रही है। इससे किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। मनोहर सरकार की इस पहल का किसानों पर भी खूब असर देखने को मिल रहा है और जगह जगह आधुनिक खेती की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज किसान उत्थान में आधुनिक खेती के बारे में जानेंगे और बताएंगे कि कैसे कम जमीन और कम पैसा खर्च कर किसान अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। बेहतर उपज आज हर देश की जरूरत है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि कृषि क्षेत्र में भी तकनीक का भरपूर उपयोग हो। किसान जो साल दर साल पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही खेती के तरीकों को छोड़कर आधुनिक खेती करे, जिससे किसानों की दशा और खेती की दिशा दोनों बदल जाएगी। आज प्रदेश के हजारों किसान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिखाए हुए रास्ते पर चल पड़े हैं और मालामाल हो रहे हैं। तो चलिए प्रदेश के कुछ ऐसे ही किसानों से आपकी मुलाकात कराते हैं। राज्य की मनोहर सरकार किसानों को आधुनिक बनाने के लिए नित नई पहल शुरू कर रही है, ताकि प्रदेश का किसान खेती के क्षेत्र में अपने आप को पिछड़ा न समझे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का तो हमेशा से यही मानना रहा है कि देश हो या प्रदेश, दोनों की तरक्की में अन्नदाता का उत्थान सर्वोपरि है। इसी कारण दिन रात बिना रुके थके मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार किसानों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और प्रदेश के किसानों को समृद्ध बना रहे हैं। मनोहर सरकार के प्रयासों के कारण खेती किसानी भी धीरे धीरे हाईटेक होने लगी है। प्रदेश के किसान अब पुराने दिनों से चली आ रही खेती को छोड़ अब आधुनिक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जहां एक तरफ देश के किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहे हैं, वहीं पानीपत के गाँव उगरा खेड़ी के किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। इस गाँव में अधिकांश किसान सब्जियों की खेती करते हैं। छोटा हो या बड़ा किसान, वो सिर्फ नाम मात्र ही गेहूं और चावल की फसल की खेती करते हैं। ज्यादातर अपने खेतों में सब्जियां लगाकर अच्छी लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से इस गांव के किसान कई सालों से सब्जियों की खेती करते आ रहे हैं। किसानों का मानना है कि ट्रेडिशनल खेती से उन्हें सब्जियों की खेती में काफी मुनाफा होता है। साल हो गए सब्जी करते ने, और जिसमें 15 से 16 प्रकार की सब्जी उगाता हूँ। कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है जो नहीं उगाते हूँ हम, क्योंकि जैसे मदर डेयरी से शुरू से जुड़े हुए हैं सफल से, हम उससे काफ़ी कुछ सीखा हमने। वो कंटिन्यू हमारे यहाँ से कई कई गाड़ी भरते थे, दो दो गाड़ी तो मैं अकेला भरूँ था, उसमें बड़ा फायदा है। उसके साथ जुड़े पाछा काफ़ी तरक्की हुई सब्जी की हमारे यहाँ। पानीपत में सबसे पहला सेंटर मदर डेयरी का हमारे गांव में खुला था, उससे इतनी तरक्की हुई क्योंकि मंडी से ज़्यादा रेट मिला हमने। अब तो कंपनी इतनी आएगी है, मेरे पास कई कंपनियां आ रही हैं और मैं ज़्यादातर उनको भी दूँ, और मंडी में भी मेरा अच्छा रेट मिलता है, नाम से बिकता है सामान। जो भी सामान जाएगा, गोभी या क्या प्याज कोई भी आइटम जाती है हमारे नाम से बिकती है, जेंदे उठा लेते हैं, कोई रेट नहीं लगाता उसमें, अच्छे पैसे मिल रहे हैं हमारे। मैं एक तो ज़्यादातर एक फसल के लिए दूसरी फसल जरूर रखता हूँ। मैं भी जैसे आपने देखा होगा करेले में घिया तैयार हो रही है, घिया चल रही है। कल भी एक किले में 6 क्विंटल के करीब घिया निकली है, जिनका रेट 32 से 32 रुपये किलो था आज रेट उसका, क्योंकि जो बागवानी के विभाग है ना, उनने हमारे को काफ़ी मदद दी, से काफी वो मिला हमने। कितना एकड़ आपके पास है? मेरे पास मैं 45 किले सब्जी करता हूँ, मतलब टोटल पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, जिसमें से एक आधा किला गेहूं बोता हूँ, वो भी बिना खार के गेहूं बोता हूँ घर के लिए। क्या कारण है कि तकनीक क्या है आपके पास जो और किसान भी उगाते हैं पर बेनिफिट नहीं ले पाते, तो उनसे क्या कहेंगे? हम तो यही कहूँ है भाई, देखो तकनीक तो हर आदमी तैयारी कर रहा है। कुछ आदमी, मैं आपके साथ गया खेत में, मैंने देखा गोभी के डंठल नीचे से तोड़ रहे, मैं कहा थोड़ा ऊपर से तोड़ो, क्योंकि वजन देना हमने, तो वजन के हिसाब से हमारी सब्जी बिकेगी। अगर जो हम देख रेख नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं खेती करने का।
एक एफपीओ बनाई है, उसमें 75 आदमी हमने जोड़े हैं। इससे क्या सारे की सब्जी आ करेगी यहाँ, और यहाँ और नई कंपनी आऊंगी उनसे हम टाई अप करेंगे ताकि यहाँ से ही सब्जी उनकी सारे किसान की यहाँ से सब्जी ले जा सके। ऐसे तो शुरू में यहाँ ब्रोकली नहीं होती थी, रेड कैबेज नहीं होता था, हमने कंटिन्यू 12 के 12 महीने कॉलीफ्लावर यहाँ हमने पैदावार करी, जो कि पहले हुआ नहीं थी यहाँ, 3-4-5-6 महीने तक रहा थी बस। इस गांव के किसानों का कहना है कि कई कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अपने खेत में एक साथ दो फसलों को लगाते हैं, जिससे उन्हें मंडियों से बेहतर दाम भी मिलते हैं और उनकी कमाई भी अधिक होती है। ट्रेडिशनल खेती जब से उन्होंने करनी छोड़ी है, उनकी आर्थिक हालत में काफी सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हमेशा से यही लक्ष्य रहा है, किसानों की आय को बढ़ाकर किसानों को समृद्ध बनाया जाए। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल को साथ सिर्फ किसानों का चाहिए। पानीपत के ये किसान आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिखाए हुए रास्ते पर चल पड़े हैं, जिससे इनकी आर्थिक हालात में काफी सुधार होने लगा है। ए भाई साहब, देखो सब्जी की जो खेती है ना, इसमें किसान को ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि एक तो हमारी मंडी नजदीक है, और अब जब से मंडी उधर दूसरी साइड गई है, यहाँ भी थोड़ा फर्क पड़ गया, यहाँ भी लोग ईंख की खेती और जीरी करने लग गए। और इसके साथ ये है कि जी जो हम सब्जी करते हैं, वो सब्जी हमारा गांव का किसान मेहनती किसान है शुरू से ही, और ये कम से कम ये लगा लो 30-35 साल से हम सब्जी की खेती कर रहे हैं यहाँ। इसमें बेनिफिट ज़्यादा उठ जाता है, क्योंकि दिल्ली भी नज़दीक है, तो यहाँ का जो अपना आड़ती है वो दूर तक मार करता है, और फिर आड़ती से पैसे मिल जाते हैं। और जैसे जीरी और गेहूँ की खेती है, इसमें सरकार रेट नहीं दे पाती, किसने आपने देखा कि कितने आंदोलन हो लिए, वहीं 50 रुपये 100 रुपये एक साल में रेट बढ़ता है, लेकिन इसके साथ DAP खाद कितना महंगा हो गया, यूरिया कितना, दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं, इसलिए हमारा किसान यहाँ सब्जी करने पे ज़्यादा विश्वास रखता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी यहाँ के आपके गांव के किसान हैं जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की उस पर साथ में जुड़े हैं, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनियाँ, सबसे बड़ी बात यह है कंपनियाँ के यहाँ उनके एम्प्लॉय जाते हैं, और वो समय पे सप्रा करना, पानी करना, ये चीज़ किसान को बताते हैं, जिससे किसान को ज़्यादा बेनिफिट आ जाता है। पहले के किसान में उसमें क्या किसान है, आज जो का जो किसान है पढ़े लिखा हो गया, उसको सबसे आजकल यूट्यूब पे भी जानकारी मार लेता है, दूसरे देश की भी देख लेता है, यहाँ जो अच्छे किसान है उनसे संपर्क करने में भी तेज़ हो गया, तो इसीलिए कुछ किसानों को ज़्यादा बेनिफिट हमारे को मिल जाता है। हाँ, आर्थिक दृष्टि से काफ़ी हमारे यहाँ, जैसे पहले अपना तिहाड़े पे आप समझते हो गए, चौथाई पे तिहाड़े पे जो किसान खेती करते थे, आज वो ऐसे हो गए कि वो ठेके पे जमीन लेके बड़े किसान की वो खुद खेती करने लगे, जिससे उनको अच्छा बेनिफिट हो गया और उनके बच्चे अच्छी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने लगे। जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे किसानों का रुझान भी आधुनिक खेती की ओर बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो प्रदेश में किसानों के लिए इतनी कल्याणकारी योजनाओं को चला दिया है, अब किसानों के लिए खेती करना आसान और फायदेमंद हो गया है, जिस कारण आज प्रदेश के हजारों युवा नौकरी छोड़ आधुनिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं और लाखों की कमाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। किसानों की उन्नति ही देश की प्रगति है, इस सोच के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के हित में एक के बाद एक कई कदम उठाए हैं, जिसका लाभ प्रदेश के हजारों लाखों किसानों को मिल रहा है। किसानों ने अब परंपरागत खेती को पीछे छोड़कर आधुनिक खेती पर बल देना शुरू कर दिया, जिससे छोटे बड़े सभी किसानों को सालाना लाखों रुपये की आमदनी हो रही है, जिससे उनकी आर्थिक हालत में सुधार हो रहा है। किसान उत्थान में फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।